के दस रुपए का तो मुनाफा हुआ खूब डब्बे के अंदर डाल देती हूँ आप ये मैं म्यूजिक सीखने जाऊंगा गाने गाऊंगा मजा आएगा सीखी करने जाना है तुम्हें तुम्हें पता नहीं मैं अपने जमाने की बहुत अच्छी सिंगर थी चलो आज हम सीखते हैं एक काम करती हूँ बस यही बना लेती हूँ वैसे ही बहुत सारा तो पड़ा हुआ है अरे अब ये सारे भी डालने होंगे बस दो ही डाल लेती हूँ सिर्फ दो चम्मच का रात बनाऊंगी वो अभी पतला सा ये लो मजे मजे का रायता ये कैसा रायता है खुद ही खाओ इतना पतला सा रायता हूँ ये लो नहीं खाना तो मत मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इतनी सारी चीज किसने ला के दी भाई ये सारी मुझे दे दो मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके देती रहूंगी भूख लगी है खाना दो क्या खाना चाहिए बिस्किट खाने हैं तुम्हें तो इसमें से सारे साफ कर दूंगी इतनी शॉपिंग कर ली तुमने भी क्या याद दिला दिया खर्चा अरे हम अपनी फैमिली के लिए जो चीज करते हैं वो खर्चा थोड़ी नहीं होती बचत ये तो हम इनके लिए ही करते हैं ना तो इन पे लुटाना तो बनता है पर बचत करनी भी तो जरूरी है ना होफ आप कुछ पानी वानी पिलाओगी कि भी सवाल करती रहोगी होफ खर्चा बजट तो पूरा हो जाएगा आइडिया नया शरबत आया न्यू फ्लेवर आज ये भी मुझे प्यास नहीं लग रही ले लो क्या ये भी पूरा बासी लग रहा है इसको भी ले जाओ तीन दिन ही पुराना है ज्यादा नहीं है पुराना कितना प्यारा भाई है बचत भी तो करनी है मैं भी लेती हूँ मैंने अपन बचत भी तो करनी है अच्छा वो चली गई अरे मैं ठंडी क्यों हो रही हूँ कंजूसी का मतलब ये नहीं हम खराब खराब चीजें खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं कंजूसी की वजह से तुमने अपना भी नुकसान किया और दूसरों का भी इससे अच्छा है तुम कंजूसी छोड़ दो जितना आनंद मैंने तुम्हें दिया उससे ज्यादा ही तुमने चाह की तुम सही कह रही हो कंजूसी करने वाला इंसान कभी भी सुकून से नहीं जी पाता समझ गई अब हाँ मुझे सब कुछ सही करना होगा ये लो जान दी सारी चीज तुम खाओ ये लो सिंगिंग करने तुम जरूर जाना थैंक्स इसके बाद कोई बहुत मस्त